हाय, सो आई एम गरिमा मैं कहानियाँ सुनाती हूँ लिखती हूँ पढ़ती हूँ मुझे यही सब आता है और मैं यही करती हूँ तो आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ ठीक है पानीपत द लैंड ऑफ बैटल्स जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो तब मैं अक्सर उन्हें यह जवाब दिया करती हूँ

जवान लड़की है इसे कैसे घर से बाहर भेज दो कोई ऊंच नीच हो गई तो अब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज और शौक मैं ही उन्हें देने वाली थी घर से बाहर जाके पढ़ाई करने की जिद करके अब बारहवीं होते ही मैंने तो मोर्चा उठा लिया कि अगर पढ़ाई करूंगी तो पानीपत से बाहर जाकर ही और तभी शुरू हो गई पानीपत की चौथी जंग जिसका कारण थी एक लड़की अब इस जंग का पहला पड़ाव रिश्तेदारों का चक्रव्यूह, जिसमें उन्होंने पूरी शिद्दत से श्लोक पढ़ने शुरू किए कि जवान लड़की नए शहर में अकेली रहेगी स्वाहा कि कॉलेज मतलब पर्सनल फोन पर्सनल फोन में फेसबुक फेसबुक में लड़के लड़के मतलब ऊंच नीच स्वाहा अब जितनी शिद्दत से उन्होंने ये श्लोक पढ़े उतने ही जज्बे के साथ मैं भी अभी मन्यू की तरह उस चक्रव्यूह में उतर पड़ी लेकिन थोड़ा आगे जाके मुझे लगा मुश्किल है तो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं मतलब आजादी विद टर्म्स एंड कंडीशन अब जब ये ऑफर मैंने सामने वाली सेना को दिया तो वो खुश हो गए मेरी बाहर जाके पढ़ाई करने की जिद को मान लिया गया और मेरे हाथ में थमा दी गई कंडीशंस की एक लिस्ट कि अगर नंबर कम आए तो घर वापसी दोस्ती यारी मतलब घर वापसी घूमना फिरना तो घर वापसी और अगर फेसबुक पर गलती से भी हस्ती हुई दिखाई दे गई तो डेफिनेटली घर वापसी अब उनकी इस लिस्ट पर मैंने मोहर लगाई और उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया चंडीगढ़ के बेस्ट गर्ल्स कॉलेज में कोई बात नहीं ऑल इज वेल का नारा लगाती बेड़ियों में बंधी ये द्रौपदी अपनी जेब में आजादी लिए निकल पड़ी अब चंडीगढ़ जाकर क्या हुआ वही जिसका सबको डर था मेरी हो गई दोस्ती आ रही कला से कला और मैं दिन रात बातें किया करते थे दूर दूर तक घूमने फिरने जाया करते थे यहाँ तक कि कला मुझे स्टेज तक भी ले आई थी मजे की बात ये थी कि इस बात की भनक मैंने किसी को नहीं पढ़ने दी थी तभी मेरे कॉलेज में हुई फ्रेशर्स पार्टी उसमें मैंने अपनी लिखी कहानी सुनाई लोगों को बहुत पसंद आई खूब तालियां बजाई गई यहाँ तक कि मुझे मिस टैलेंटेड का खिताब भी दिया गया उस दिन लोगों ने खुश होकर फोटोग्राफ्स क्लिक की उन फोटोग्राफ्स को पोस्ट किया गया फेसबुक पर फेसबुक की वो फोटोग्राफ्स ट्रैवल करते हुए पहुँच गई लैंड ऑफ बैटल्स फिर से रिश्तेदारों का चक्रव्यू खुल गया तीर वहाँ से उड़कर मेरी ओर आए और मेरी पीठ में घोप दिए गए जिन पर बड़ा बड़ा लिखा था कैरेक्टर अब ये देखकर मेरे अंदर के अभी ने तो घुटने टेक दिए क्योंकि उसे तो चक्रफी में घुसना आता था, था ना बाहर निकलना नहीं तभी मेरी कला ने आवाज़ दी कि अर्जुन शस्त्र उठाओ लेकिन इस बार विद नो टर्म्स एंड कंडीशंस तो मैंने घर पे फोन मिलाया और माँ से कहा कि मुझे राइटर बनना है आई वॉन्ट टू राइट फॉर लाइफ और ये कोई आइडिया नहीं है ये एक डिसीजन है अब सामने से उन्होंने क्या कहा पता नहीं लेकिन मेरी बेड़ियां खुल चुकी थी कला और मैंने मिलकर एक घर बनाया था अपनी एक दुनिया बनाई थी जिसमें डर की कोई जगह नहीं थी कला ने मुझे ये सिखाया था कि किसी भी जंग को लड़ने के लिए मुझे अर्जुन या अभिमन्यु होने की जरूरत नहीं है कि अपनी दुनिया में अगर मैं कोई जंग छेड़ती हूँ तो मैं उससे लड़ भी सकती हूँ जहाँ की ऊँच भी मेरी है और नीच भी मेरी आज भी कभी कभी रिश्तेदारों के वो चक्र भी खुल जाते हैं वहाँ से जब तीर उड़ते हुए आते हैं तो मेरी कला आवाज़ देती है कि द्रौपदी शस्त्र उठाओ और मैं उन तीरों को कलम बनाकर लिख देती हूँ कि मैं पानीपत से हूँ द लैंड ऑफ बैटल्स जहाँ की औरतों को कभी लड़ना सिखाया नहीं जाता हमें वो हमेशा से आता है थैंक यू